कि लोग चिवड़ा मीठा बांट लेने से कोई स्थानीय विधायक का पद नहीं ले लेगा। ताकि आप कंफ्यूजन में हैं, आप कंफ्यूजन में हैं, आप चयनित नहीं कर पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं और जो है वो ठीक है कि नहीं, बस इसी वजह से मुस्लिम समाज जो है नाराज बीजेपी से हर सब दिन नाराज रहेगा। मेरे नजदीक है जिनसे हमको संपर्क है, पहले मैं उनके लिए सोचूंगा। आप पता लगा ये कोई नहीं है, सब मजदूर वाला है, बीजेपी से हम लोग को एलर्जी है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ हार्ट। तो हमारे कार्यक्रम गद्दी कौन संभालेगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार जो है चुनावी चर्चे हो रहे हैं, लगातार हम नेताओं को बुला रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन अब हमारी जो है ग्रामीण सर्वे भी शुरू हो चुका है, ग्रामीण सर्वे को लेकर हम पहुँच चुके हैं गोरीगामा गाँव में। और जातिवाद की दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें बिहार में चरम पर है, क्योंकि जब चुनाव आता है तो सभी जाति के एक एक नेता ऐसे हैं जो अपने अपने जाति के विषय में कहते हैं कि उनसे हम अलग नहीं हैं, वोट अगर उनको देना होगा तो वो हमें ही देंगे, शिक्षा स्वास्थ्य और डेवलपमेंट मुद्दा ही नहीं रह जाता है। ऐसे में वर्तमान में हमारे साथ बातचीत के लिए मुस्लिम समाज के तमाम लोग हैं, गोरीगामा गांव में हैं, यहां से हम गुजर रहे थे तो सोचे ग्रामीणों से बात कर लूँ। ग्रामीण में ऐसे कि महुआ विधानसभा क्षेत्र तेज प्रताप यादव का पड़ता है, ऐसे में जो यहाँ के मुस्लिम समाज हैं उनका क्या कहना है कि इस बार वो किनको वोट देंगे, किनको सत्ता में लाएंगे, किनको यहाँ का विधायक बनाएंगे और किस तरह के विकास का आस रख रहे हैं। शुरुआत हम आपसे कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। एक तरह से देखा जाए कि हर बार जब चुनाव आता है, चुनाव के समय जातिवाद, आपके भी बहुत सारे नेता होंगे कहेंगे मुस्लिम समाज के नेता तो यादव को दें, महागठबंधन को दें या अन्य जो भी लोग हों, लेकिन डेवलपमेंट लोग क्यों भूल जाते हैं? देखिए, भूल जाते हैं इसीलिए कि काम जीत के चले जाते हैं लेकिन आते नहीं है देखने और काम नहीं करते हैं, समझे, इसकी वजह से लोग भूल जाते हैं। क्या लग रहा है इस बार का प्लानिंग अगर देखा जाए तो आप लोग भी एक तरह से एकजुट होंगे ना कि हमें इन लोगों को वोट देना है, इनको जिताना है, इस बार का प्लान तो जो काम करेगा उसी को ना देंगे। बहुत सारे महुआ विधानसभा क्षेत्र से अगर अंगुलियों पे गिनाएं तो लमसम 15-16 कार्यकर्ता ऐसे हो, चाहे कहीं का भी आए इधर लोकल तो उसको तो देंगे ही, लेकिन काम करना चाहिए, काम जिसको जो करेगा उसी को देंगे। पिछले बार आपने तेज प्रताप यादव को वोट दिए थे, काम उन्होंने किया क्या? नहीं क्या क्या काम नहीं हुआ? अरे बहुत तो ऐसा काम नहीं किए हैं, लेकिन उनका दावा है कि हमने जिस तरह से महुआ विधानसभा क्षेत्र में काम करने का काम किया है वैसा कोई कर भी नहीं सकता। नहीं करता है, समझे, कह के लोग जाते हैं कि करेंगे लेकिन फिर नहीं जाते। वर्तमान के विधायक पे आरोप क्या है? आरोप क्या लगाएंगे उसको, कड़वे नहीं करते हैं तो क्या करेंगे। चलिए, इस बार का मूड यही है कि जो काम करेगा उनको। हाँ, अन्य लोग हैं उनसे बात करें, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, आगे आगे आगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है ना, क्या लग रहा है, क्या प्लानिंग तय चल रहा है? एक मुस्लिम समुदाय की अगर हम बात कर लें, एक समाज की बात कर लें तो उनकी प्लानिंग क्या चल रही है, किनको वोट देना है, महुआ विधानसभा क्षेत्र में किनको विधायक बनाना है, कैसे डेवलपमेंट के मुद्दे पर फोकस करना है? जो आदमी काम करेंगे उन्हीं का दिया जाएगा वोट। कोई ऐसे व्यक्ति जो नज़र में हो, जो लगता हो कि काम कर सकते हैं? अब नाम हम कैसे बता रहे, जो नाम मत बताइए, जो आपके नज़र दिया जाएगा वोट। क्या इस क्षेत्र में ऐसे लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं लेकिन जो काम करेंगे वही उन्हीं का हम लोग देंगे वोट। क्या काम करना चाहिए उनको, मान लीजिए कि उनको आप वोट देते हैं तो क्या उनको करना चाहिए? बहुत सा वोट है, हम लोग का शौचालय नहीं है, कमजोर आदमी मजदूर आदमी है, कुछ आता है बहुत सा नहीं मिलता है, जो कोई कर देंगे हम लोग का काम उनका देंगे वोट। हालांकि काम करने की बात तो हर साल आती है, हर पाँच साल पे आती है, मतलब कि कह सकते हैं कि हर चुनाव में आती है, सभी लोग कहते हैं कि हम काम करेंगे, वोट लेने के बाद सत्ता में आने के बाद क्या लगता है काम करते हैं? कहाँ करते हैं काम, नहीं करते हैं। इस बार का विश्वास, इस बार का चले जाए या हार के चले जाए फिर आपस नहीं आते हैं कि हम जीत के ये काम कर देंगे, कौन आदमी के बाकी है। तो दोबारा से विश्वास जता रहे हैं क्या, दोबारा से विश्वास जता रहे हैं कि वो काम करेंगे हम वोट देंगे तो? हाँ, काम करेंगे तो वोट तो जरूर देवे करेंगे, ऐसा बात नहीं है, देंगे। जनुनन समस्या इस क्षेत्र की क्या रही है शुरुआती दौर, आप बोलने में असमर्थ हैं, पीछे जाइए थोड़ा सा, आप आगे जाइए। क्या लग रहा है सर कि जनुनन समस्या इस क्षेत्र में क्या है? देखिए, यहाँ का विधायक महुआ क्षेत्र से जो खड़े होंगे वो अपना नज़दीकी हो, दूर वाला आके जीत के चल जाते हैं, हम लोग वहाँ पहुँच नहीं सकते, जैसे पटना से तेज प्रताप जी आए और जीत के चले गए फिर वापस आए नहीं, एक बार नहीं, कितना दिन हो गया आए तो किसी की तरह से नल एगो बनवाए, वो नल जल वाला काम वो करवाए विधानसभा क्षेत्र, हाँ करवाए, एगो तो वो काम करवाए, बाकी
जिला सिखवा किस चीज को लेकर है, आरोप प्रत्यारोप की अगर बात? आरोप क्या है, हम लोग के का नाम है कि महुआ विधानसभा क्षेत्र से अपना नजदीकी आदमी कोई खड़ा हो तो ठीक रहे, मुसलमान हो या हिंदू हो कोई भी हो। हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं है, बात तो चुनाव के समय जातिवाद आ जाता है, इसलिए मुस्लिम समाज एकजुट है और वो चाह रहे हैं कि ऐसे लोग जो है विधायक बने, ऐसे लोग क्षेत्र का नेतृत्व करें कि विकास करें, डेवलपमेंट करें। उसके लायक यहाँ के लिए समझे कि जगह सर रहे हैं, समझे ना? क्या लगता है कि वो अगर विधायक बनते हैं तो यहाँ अगर खड़ा होते हैं तो जीतते हैं तो ठीक है, हम लोग के नजदीक है, कोई बात होगा तो हम लोग उनके पास जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे में, आसमा परवीन भी हैं, रविंदर राय हैं, अनुज यादव, समस्तीपुर के हैं, वहाँ हम लोग नहीं पहुँच सकेंगे, ये बात है। मतलब दूर को देखना ही नहीं, हाँ नजदीकी होना चाहिए, नजदीकी विधायक आदमी होना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि काल्पनिक दृष्टि से अगर देखें, विधायक आप बना भी देते हैं तो जनता तो आप हैं, आपको क्या ऐसा आस रहेगा कि वो करें तो और आगे उनको जो है प्लानिंग के साथ दोबारा चाहे करेंगे तो दोबारा मिलेगा? आपके मन में कुछ ऐसा काम होगा ना जो नहीं, तो वो काम अगर बढ़िया करेंगे तो फिर डबल में आएंगे, नहीं काम करेंगे बढ़िया से तो फिर नहीं आएंगे। मतलब दोबारा से घसकाने का भी प्लान? घसकाने का प्लान नहीं है, वो करवाएंगे अपना क्षेत्र में बढ़िया काम तो फिर चुन के अपने आप से आप आएंगे। क्या लगता है सर, आप तो डॉक्टर भी हैं पेशे से, डॉक्टर साहब एक चीज़ बताया जाए कि इस क्षेत्र का बदनसीबी कह लें, दुर्भाग्य कह लें, क्या ऐसा चीज़ रहा है कि अब तक यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, खासकर मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनका कहना है कि घर तक नल जल योजना नहीं पहुँची, कुछ लोग शौचालय का कुछ पैसा दे, कुछ लोगों को पैसा नहीं मिला, बच गया होगा तो, और कई तरह की जो समस्याएं बता रहे हैं, छोटी छोटी समस्याएं जो बता रहे हैं, नल जल भी पहुँच चुका है सब जगह, और यो जो शौचालय का वगैरह है वो घर में पहुंच गया, में पहुंच गया है। सभी लोग मतलब क्यों कह रहे हैं, मतलब क्यों कह रहे हैं? एका दुका बाकी होगा और सब ठीक ही है यहाँ पर, विकास के मामले में सब कुछ ठीक, विकास जो ही हम देख रहे हैं तो ठीक ही लग रहा है। क्या लग रहा है, इससे बेहतर विकास नहीं होना चाहिए? काहे नहीं होना चाहिए, विकास होना चाहिए तो समय आएगा तब ना देखा जाएगा क्या विकास होना चाहिए। तो वोट दबाने का आएगा, तो वोट तो आप दबाएंगे? जो कैंडिडेट यहाँ खड़ा होगा लोकल में जो हो जो भी हो, टिकट मिलने के बाद उसको हम लोग विचार करेंगे कि किसको दिया जाए, चुनेंगे, एक को तो नहीं खड़ा होगा, दो चार हो सकते हैं, उसके बाद में हम लोग सोचेंगे कि किनको देना है। क्या लगता है कोई माइंड सेट आपने किया है, कोई प्लानिंग तय है कि ऐसे लोगों को देना है जो लोग विकास के? जब टिकट मिलेगा तो हम लोग सोचेंगे, उस वक्त सोचेंगे, अभी क्या, हाँ अभी क्या सोचेंगे। चलिए तो विधायक की अगर हम बात छोड़ दें तो मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में आप किनको देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि बिहार के विकास में किनका योगदान ज्यादा हो सकता है? ये हम नहीं बता सकते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होंगे बिहार के, अभी क्यों नहीं बता सकते हैं? कैसे बताएंगे? आप 5 साल से क्या कर रहे हैं? 5 साल से हम हैं। आपकी उम्र क्या हुई? हमारा उम्र 60। हाँ 60 साल में कितने विधायक और कितने मुख्यमंत्री आपने बना दिए? बहुत है, बहुत गए। आपने कितने बना दिए? 2-3 बने हैं। 2-3 बना दिए। हाँ। क्या लग रहा है कि उनके राज में, इनके राज में और वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए कौन लोग? जो भी मुख्यमंत्री बने अभी, चाहे अब बनेंगे चाहे बन चुके हैं पहले भी, तो सबका तो वही हाल है, सबके साथ हुई या जो बने अपना बने। क्या लग रहा है, अब बना दिया लेकिन हम लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ? नहीं। तो वही चीज हम जानना चाह रहे हैं कि नाराजगी किस बात को लेकर है, नाराजगी अगर है कितना नाराजगी बात हम? नहीं, हमको बस एक ही नाराजगी बताइए, एक समाज होता है जो समाज के साथ चलता है, हमको नाराजगी एक ही बात क्या चाहिए कि आप बोलना नहीं चाह रहे हैं वो अलग विषय है, लेकिन मुख्यमंत्री को तो आप महसूस कर रहे हैं, उनके काम को, उनके राज को महसूस तो कर रहे हैं ना, ऐसे में क्या लग रहा है कि चयन के हिसाब से बदलाव जरूरी है या सेम टू सेम सुशासन के राज कहने वाले माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार सही है? भाई बदलाव हो जाए तो बेहतर है। क्यों? अभी बदलाव इसलिए कि ये कहाँ काम हो रहा है, अभी तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे सारा काम हो रहा था, सारा काम हो रहा है तो पंचायत के बारे में बोले ना, अब मंत्री का बदलाव होना चाहिए। हम मुख्यमंत्री का बदलाव होना चाहिए तो बदलाव अभी नीतीश कुमार जी ठीक ही है, हालांकि आप कंफ्यूजन में हैं, आप कंफ्यूजन में हैं, आप चयनित नहीं कर पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं और जो है वो ठीक है कि नहीं, हालांकि एक जनता है डॉक्टर साहब हैं, इनका शुरुआती दौर से दूसरे क्षेत्र में अनुभव रहा है तो इस क्षेत्र में ज़्यादा नहीं राजनीति करना चाहते हैं, तो इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री कोई भी हो विकास चाहिए, विधायक कोई भी हो विकास चाहिए। ऐसे में और भी तमाम लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए ना, जब आगे आइए, आइए ना सर, सर इधर आ जाइए, इधर आइए, थोड़ा कैमरे के सामने आइएगा, चेहरा दिखाइएगा, कुछ बोलिएगा तब कुछ चीज़ें सामने आएंगी। क्या लग रहा है, ये तो पूरा कन्फ्यूजन है एकदम, इनका दोनों चीज़ बराबर नहीं बोल पा रहे। नहीं, सही बात। क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री और देखिए मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार जी हैं, बात ठीक है,
लेकिन बीच बीच में जो उनका पल्ला बदलता है इससे हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत होता है। जैसे में काट पल्ला पल्ला जैसे कि उधर से निकल गया बीजेपी में चले आए, बीजेपी से हम लोग को एलर्जी है शुरू से, एलर्जी हाँ हमको शुरू से एलर्जी है, किसी कीमत पर बीजेपी को हम लोग नहीं चाहते। कारण है उससे बहुत सारा कारण है, कितना गिना सकते हैं हमको सिर्फ दो कारण चाहिए हमको ज्यादा, हर चीज में मुस्लिम और हिंदू और मुस्लिम का उनका उनके पास ये है यही कारण। हाँ बस इसी वजह से मुस्लिम समाज जो है नाराज बीजेपी से और सब दिन नाराज रहेगा। चलिए विधायक की अगर हम बात कर लेते हैं, क्षेत्रीय विधायक है आपके, क्षेत्रीय तो नहीं है लेकिन दूर के ही है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, तेज प्रताप यादव वर्तमान के विधायक हैं, दोबारा से भी चुनाव लड़ेंगे, और भी अन्य लोग हैं, आरजेडी से भी कई लोग हैं, क्या लग रहा है कि दावेदारी अगर जो लोग करेंगे जनता किनके साथ? आरजेडी के विधायक वो हैं, लालू जी के लड़के हैं, सही बात है, उनको हम लोग सपोर्ट करते ही थे, अगला बार करके भेजे ही हैं उनको, हम लोग भेजा ही है, उन्हीं को वोट किया है, लेकिन लेकिन गए जब से आज तक हम लोग को आज तक सामने नहीं हुए, आज तक उनको देखा भी नहीं हम लोग, एक बार देखा हुआ तुलसीदास मेहता के भोज में, उसके बाद से आज तक देखा नहीं उनको, हम लोग से कभी मिले नहीं, न कोई बातचीत है न कुछ है, तो हम लोग उससे अनवाइड हैं बिल्कुल। क्या लग रहा है जब वो आए थे आपसे वोट मांगने, हाँ। उस समय कैसे आप मतलब उनको जज किए थे? उस समय तो अच्छा जज किए, वो आए उनके पूरे खानदान के लोग आए, उनकी माँ आई उनकी बहन आई सब आए, सब आदमी ने अच्छा हाथ जोड़ के हम लोगों से वोट के लिए इशरार किया, हम लोगों ने कहा कि देंगे ही आपको वोट। इस तरफ से हम लगातार आप गिना देते हैं, जदयू से कई कैंडिडेट हैं, जागेश्वर राय को भी ले सकते हैं, आपको आसमा परवीन है उनको भी ले सकते हैं, रविंदर राय हैं उनको भी ले सकते हैं, अनुज यादव हैं उनको भी ले सकते हैं, आरजेडी से सत्येंद्र राय हैं वो भी कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे, बगावत की बात आपने पहले हमारे इंटरव्यू में सुनी होगी, प्रमुख जी आपके, तो ऐसे में निर्दलीय भी एक आध दो लोग हो सकते हैं, कौन चेहरा आपको लग रहा है कि बेहतर हो सकता है? देखिए हम लोगों के यहाँ रविंदर जी भी हमसे दूर हैं, सत्येंद्र जी भी कुछ दूरी पर हैं, मेरे नज़दीक जो हैं, जो मेरे नज़दीक है जिनसे हमको संपर्क है, पहले मैं उनके लिए सोचूंगा, वोट के टाइम में, वोट देने के टाइम में पहले मैं उनको सोचूंगा, उसके बाद ही और लोगों के बारे में सोचा जाएगा। नज़दीकी कौन? नज़दीकी है ना, नाम बताइए, सामने है है ना, जागेश्वर जी हैं, जागेश्वर जी, यही चीज हम जानना चाह रहे हैं। देखिए इसमें शर्माने की बात नहीं, हम लोग पूरे विधानसभा में घूम रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कैंडिडेट के घर के बगल में ही जनता से बात कर लेते हैं, जैसे आज यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी कई कैंडिडेट आसपास में है, दावेदार हैं, उन्हीं के गांव में हम भी मौजूद हैं, लेकिन आपका कहना है कि जो ज्यादा नजदीक है उनको आप वोट देंगे, लोकल हैं, किस मुद्दे किसी समस्या के लिए हमको अगर जरूरत हुआ, कोई भी मामला हमारे साथ पेश आया, कोई ऐसा इमरजेंसी कोई बात हुआ, हम डायरेक्ट जाकर उनसे मिल सकते हैं। चलिए ठीक है आ जाइए सर, आप थोड़ा सा आप आइए, क्या लग रहा है कि इस बार का प्लानिंग का क्या मतलब? प्लानिंग ऐसा है कि हमारे इलाका में तो उतना जो है सो कि ये नहीं है, सबके सब परदेश कमाने वाले हैं, कमा के लाते हैं, अपना जो जैसे होता है वैसे गुजारा बसर करते, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई जो है 10 क्लास के बाद जो है वो दिक्कत है, और ये महुआ क्षेत्र में नहीं है, इससे आगे कॉलेज उलेज जो बच्चे को आम आदमी पढ़ा सके, बस हमारा इतना ही कहना है। शिक्षा व्यवस्था में मतलब चाहते हैं कि मजबूती, बस स्वास्थ्य इसी से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, स्वास्थ्य के लिए तो जो जैसे है वैसे निभा ही रहा है, सरकारी डॉक्टर जो है वो लोग जाते हैं तो देखते ही है। बेरोजगारी तो पूरे बेरोजगारी है, यहाँ मजदूर है, यहाँ रोजगार वाला कौन है? क्या हमारे इलाके में रोजगार वाला कौन है? आप पता लगाइए, कोई नहीं है, सब मजदूर वाला है। हमारे विधायक के जी हैं तेज प्रताप यादव, जो 5 साल गति समाप्त होने वाला है इस क्षेत्र का, लेकिन संभव है कि दो बार भी हम नहीं देखे कि कहीं पहुँचे आसपास में, खबर भी दिया जा रहा है कोई पार्टी फंक्शन में तो नहीं पहुँचे। और रह गई बात कि इस बार सारी जनता सचेत हो गई है और अपने आप में कन्फर्म हो गई है कि किसे अपना विधायक मानना है, किसे चुनना है, और रह गई जहाँ तक की बात कि लोग चूड़ा मीठा बांट लेने से कोई स्थानीय विधायक का पद नहीं ले लेगा, जनता जिसे चुनेगी वही विधायक बनेगा, जनता जिसे चुनेगी उसे विधायक। लेकिन एक चीज़ कहा जाता है कि राजद यानी MY की पार्टी है, मुस्लिम और यादवों की पार्टी है, आप तमाम लोग हम मुस्लिम इलाका में खड़े हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग इस बार किस तरह से राजद को जो है सपोर्ट करेंगे और किस तरह से नकारने का काम करेंगे? माई समीकरण तो है ही, इसी कारण से लोग बैक होते जा रहे हैं जात पात को लेके, लेकिन इस बार जात पात से सभी लोग हमारे मुसलमान कास्ट हुए, यादव कास्ट हुए या अन्य कास्ट हैं, सभी
अलग अलग अपना पहचान बना चुके हैं और स्थानीय लोग को ही चुनेंगे। स्थानीय लोगों को चुनने की बात आ रही है, तो लगातार हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।